फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे पूर्वजों के बारे में। पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी सब हमको बहुत ही प्यारे होते हैं और उनकी यादों को संजो के रखने के लिए हम उनकी फ़ोटोज़ को अपने घर में लगाते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हमें उनको किस दीवार पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है? क्योंकि वास्तु के हिसाब से इन चीज़ों का भी हमारी लाइफ पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। पूर्वजों की तस्वीर को कभी भी आपको बेडरूम में, अपने घर के मिडल में और मंदिर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप पूर्वजों को भगवान के साथ बिठा देंगे तो इससे भगवान का भी अपमान होगा और पूर्वजों का भी अपना अपमान होगा। आपको हमेशा उनकी तस्वीर को घर की साउथ वॉल पे लगाना चाहिए, क्योंकि घर की साउथ वॉल को यम का और पितरों का स्थान माना जाता है। एक तो आप लटकती हुई तस्वीरों को न लगाएं, सीधा उनको वहाँ पर फिक्स करके लगाएं। और तस्वीरें ऐसी जगह पर भी नहीं होनी चाहिए कि आते जाते आपकी नज़र उन पर बार बार पड़ती रहे। इससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आएगी, आप इमोशनल होंगे, आप बार बार ड्रेन होंगे। तो ठीक है, जब कभी कभार मन करे तो आप उनके दर्शन कर लें, स्पेशली वहाँ जाके जहाँ उनकी तस्वीर है, लेकिन उनको बीच रास्ते में न लगाएं। ना ही आपके घर आने वाले गेस्ट की नज़र बार बार आपके पितरों की तस्वीरों पर पड़नी चाहिए, इससे भी बहुत नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। तो आज ही आप अपने घर में चेक करें कि आपने अपने पूर्वजों की तस्वीर को कहाँ लगा रखा है, उनको सही डायरेक्शन में लगाएं और परिणाम देखें। बाय बाय।